तो ये परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना। चूंकि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास है ना, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे हुए हैं और हम लोगों को मैथ्स के क्वेश्चंस को करना ही नहीं है बल्कि उसके बेसिक्स को भी जानना है कि वास्तव में प्रतिशत का मतलब क्या होता है, वास्तव में परसेंटेज का मतलब क्या होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको ट्रिक बता दें और आप जल्दी से क्या करो कोई सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस वही आपका एम है। आपका एम ये बिल्कुल नहीं, आपका एम ये है कि आप मैथ्स के बेसिक्स को जानें। वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, कैसे वो चीजें बनती हैं, हम लोग इन सारी चीजों पे बात करेंगे। फाइनली हम आपको ट्रिक तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन लेकिन एक बात याद रखना, लाइफ में अगर कभी भी जब हम ट्रिक सीख जाते हैं ना किसी चीज की, तो हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जाते ही नहीं है और हम वो पूरी की पूरी क्लास पढ़ के आगे निकल जाते हैं। और जब कभी हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उसी ट्रिकी क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि हमें क्या था, हमें तो केवल हैबिट थी किसकी, हमें तो हैबिट केवल ट्रिक्स की थी। तो ट्रिक्स भी अपन सीखेंगे, लेकिन लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो ट्रिक्स हम लोग खुद जनरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक बनी बनाई है तो उसको हम लोग यूज कर लेंगे, हम लोग ट्रिक खुद बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत होता क्या है, तो देखो वास्तव में यार अगर हम प्रतिशत आपको बताने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये जानो कि जैसे मान लो कि आपने 500 का आपका पेपर हुआ, मान लो आप फिफ्थ क्लास में हुआ भी, ठीक, और आपका पेपर हुआ 500 का, और 500 में आपने 300 नंबर पाए, 500 में आपने कितने नंबर पाए, 300। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि 100 से कंपेरिजन करना, यानी किसी भी क्वांटिटी को 100 के रिफरेंस में लिखना, ठीक है। 100 के संदर्भ में जब आप उसको व्यक्त करते हैं तब इसी चीज को प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रतिशत बोलते हैं। अब जैसे आपने 500 में 300 नंबर तो पा लिया, 500 में 300 नंबर पाया, तो क्या उसको आप ये कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने 100 में कितना पाया। हाँ भैया पक्का कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखो अगर आपने 500 में पाया कितना, 300 नंबर, 500 में पाया कितना, 300 नंबर, तो एक नंबर में आपने कितना नंबर पाया, एक में 300 बटे 500, तो इसलिए 100 में कितना पाया आपने, इसलिए आपने 100 में कितना पाया, तो 100 में क्या होगा, 300 × 100 कितना, अपान में 500, ये गया और 5 6, तो यहां पे कितना गया, 60, कितना गया 60। यानी कि 500 नंबर में जब अपन 300 नंबर पाए थे, इसी चीज को जब हमें 100 के रिफरेंस में है ना, 100 के संदर्भ में हमें रिप्रेजेंट करना हुआ, तो हम क्या देखें कि 100 में कितना आया, 60 नंबर आया। ओके, अब देखो किसी भी राशि की मात्रा को याद रखना, किसी भी राशि की मात्रा को 100 के आधार पे 100 क्वांटिटीज के आधार पे व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो कि भैया ये बताइए कि अगर कल को हमसे कोई ये पूछता है, कल को कोई हमसे ये पूछता है कि परसेंटेज किसे कहते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं, तो किसी भी राशि की मात्रा को 100 के आधार पे व्यक्त करना ही प्रतिशत कहलाता है। ओके, यानी कि जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी हो लेकिन हम उसको 100 के रिफरेंस में 100 के आधार पे अगर व्यक्त करें तो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। अब देखो ये तो था तुम्हारा, जैसे अब ये इतने को तुम क्या कह सकते हो कि 60%, क्या कह सकते हो, 60%। अब चलो फार्मूले के बेसिस से हम लोग निकालते हैं प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे देखो अगर कोई कहता है कि x का y प्रतिशत क्या होगा, ठीक, जैसे कोई पहला केस हम लोग लेते हैं कि जैसे कोई कहता है कि x का y प्रतिशत क्या होगा, तो ये x भी कोई एक क्वांटिटी है और y भी कोई एक क्वांटिटी है, यानी कि x भी कोई एक संख्या है, y भी कोई एक संख्या है। अगर कोई ये कहता है हमसे कि x का y प्रतिशत क्या होगा, तो फार्मूला जो होता है इसका वो क्या होता है, x into y upon 100, ये फार्मूला निकल के आता है। किसके लिए, जब हम ये निकालते हैं कि x का y प्रतिशत कितना होगा, यानी कि अब इसका एग्जांपल लेते हैं, भैया ये समझ में थोड़ा सा कम है, अब एग्जांपल लेते हैं अपन। अब एक एग्जांपल नंबर पहला देखते हैं, एग्जांपल नंबर पहले में देखो, अगर तुमसे कोई ये कहता है कि 50 का 20% कितना होगा, क्या जी 50 का 20% कितना होगा, तो देखो ध्यान दे,
x का y प्रतिशत, यानी कि x यहां पे कितना है, अगर तुमसे कोई कह दे कि 50 का 20 प्रतिशत कितना होगा, अगर कोई पूछता है कि 50 का 20 प्रतिशत कितना होगा, तो x का y प्रतिशत, यानी कि x क्या है 50 है और y क्या है 20 है, तो सीधी सी बात क्या करेंगे अपन, सीधी सी बात क्या करेंगे, 50 गुणे 20 बटे 100। अब ये आ गया कितना, 10 आ गया, सीधी सी बात है। समझ नहीं बात कि अगर आज के बाद अगर तुमसे कोई ये पूछता है x का y प्रतिशत टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है, अब चलो इस पे हम लोग क्या करते हैं, चार पांच क्वेश्चन लगातार करते हैं, बस तुम्हें फील आ जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो कि 80 का 25% कितना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो 80 का 25% कितना होगा, तो इसको 80 का 25% निकालो ना, तो सीधे लिखो 80 गुणे 25 बटे 100, 80 गुणे 25 बटे 100, 25 के 25, 25 चौके 100 और 4 के 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना है 20 आया, कितना है 20 आया। ठीक, समझ में आ रही बात ना, कि यानी कि कभी भी इन फ्यूचर हमको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा, इतना मतलब कोई भी नंबर होगी, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन लो, अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि 200 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा। अब भैया के सॉल्यूशन का इंतजार मत करो, अब तुम लोग खुद करके दिखाओ, हमें खुद करके दिखाओ, चलो जल्दी चलो। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा, या वीडियो को मेरी पॉज करो और इसको बिल्कुल क्लासरूम जैसे, मान लो कि तुम क्लासरूम में बैठो, भैया ने तुम्हें क्या दिया क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को करो। अब चलो देखो, अब तुम लोग एक बार पॉज करके इसको लगाना और लगाने के बाद कमेंट में लिखना, हाँ भैया मेरा आ गया। अब उस वीडियो को अब आओ, अब देखो सोल्यूशन देखो, क्या तुम ऐसे ही लगाए हो, चलो आओ कमाओ। 200 का 20%, यानी कि यहां पे क्या करेंगे, 200 का माने गुणा 20% माने बटे 100, एक गया, 3 दुनी 6, यानी कि कितना गया 60%। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं, अब देखो धीरे धीरे, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि तुमने क्या किया, तुम्हारा यूटी हुआ, तुम्हारा सेशनल टेस्ट हुआ, मान लो सेशनल टेस्ट हुआ स्कूल में या तुम्हारा यूनिट टेस्ट हुआ, और यूनिट टेस्ट में तुम पाए कितना नंबर, यूनिट टेस्ट में मान लो तुम 50 में कितना नंबर पाए, मान लो तुम 50 में 45 नंबर पाए, है ना, मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स भैया पढ़ाने तो अच्छी होगी, ठीक है, ये तुम्हारे मैथ्स का नंबर, तुमने क्या किया, तुम 50 में 45 नंबर पाए, जो तुम्हारा टीचर होता है वो, अब तुम्हारा टीचर तुमसे ये बोला कि तुम है ना, तुम 50 में 45 नंबर पाए हो, अब वो तुमसे ये बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम कितने प्रतिशत नंबर पाए हो, इसका मतलब ये हुआ प्रतिशत का कि तुम 50 में अगर 45 नंबर पाए हो, तो वही मार्क्स अगर तुम्हें 100 में कहा जाए तो तुम 100 में कितना पाए हो, यही निकालना प्रतिशत होता है, याद रखना। तो उसका फार्मूला होता है 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। भैया प्राप्तांक किसे कहते हैं, अरे प्राप्तांक माने वही नंबर जो तुम पाए हो क्लास में, और पूर्णांक का मतलब भैया क्या होता है, पूर्णांक का मतलब जिसमें पाए हो, जितने में, जैसे इसमें 50 में तुम 45 पाए हो, तो तुम्हारा प्राप्तांक क्या है 45 है, पूर्णांक क्या है तुम्हारा 50 है। तो चलो परसेंटेज निकालते हैं, लिखो परसेंटेज अंक बराबर प्रतिशत अंक बराबर, तो कितना होगा 100 गुणे प्राप्तांक कितना है 45, प्राप्तांक कितना है 45 बटे पूर्णांक कितना है, पूर्णांक यहाँ पे 50 है, तो 50 के 50, 50 दूना 100, 45 दूना 90% अंक आपको मिले हैं। समझ में आ रही है, ऐसे निकाला जाता है प्रतिशत, और कभी भी ये प्राप्तांक और पूर्णांक का हमेशा यही कॉन्सेप्ट मत लगाना, तुम एक चीज और लगा सकते हो कि 100 गुणे छोटा अंक, जो तुम्हें छोटा अंक दिया गया हो ये भी लिख सकते हो कि 100 गुणे छोटा अंक अपान बड़ा अंक, क्या बड़ा अंक, ऐसे ही हमेशा होगा, एक बात याद रखना। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज लोगों ने बिल्कुल बेसिक सीखा कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग परसेंटेज निकालने का छोटा सा तरीका सीखेंगे। तो ये तो था क्या, ये तो था कि x का y प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि कल को अगर हमसे कोई ये कहता है कि कोई भी संख्या दी गई है उस संख्या का कुछ प्रतिशत हमें निकालना है, तो हम लोग बहुत ही आराम से इजिली निकाल लेंगे। और दूसरी चीज हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरी चीज अगर हमें अंक का प्रतिशत निकालना है, जैसे हमने परीक्षा में इतने अंक पाए तो कितना प्रतिशत अंक मिला, तो ये भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत
चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों पे एक एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को अपन फिनिश करते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। चलो चलो, पहला क्वेश्चन लिखो कि 600 का 40% कितना होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखो 600 का 40% कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई ना, 600 का माने गुणा 40% माने 40/100 कर देंगे, तो एक दो चार छन 24, यानी कितना है 240 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 600 का हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 का 40% आएगा 240। अब चलो एक क्वेश्चन और कर लो जो अंक पाने वाला, नंबर पाने वाला है। ठीक, नंबर पाने वाला क्वेश्चन एक और कर लो, एक क्वेश्चन और करो, लास्ट क्वेश्चन इसका, आज का लास्ट क्वेश्चन करो। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि तुम 600 में 400 नंबर पाए हो, तुम 600 की परीक्षा में कितना पाए हो, 400 नंबर पाए हो, 600/400 ऐसे दिया जाता है ना, नंबर ऐसे दिया जाता है ना, यानी कि 600 पूर्णांक था, 600 पूर्णांक था और तुमने पाया कितना 400 नंबर, यानी कि ये क्या है, प्राप्तांक है, ये प्राप्तांक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, है ना, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, पूर्णांक यहां पे कितना है 600 है, 600 है, ये गया आया कितना 400/6। अब देखो इसको भाग लगा दो, 6×6=36 और 4 आया, फिर 6×36.66। अब देखो एक चीज याद रखना कि जब कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसके पहली वाली में हम 1 मान के जोड़ देते हैं, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 66.7%। ओके, तो इस तरीके से आज इस बेसिक क्लास में हम लोगों ने यह सीखा कि अगर किसी संख्या का हमें कुछ प्रतिशत निकालना हो तो वो प्रतिशत हम लोग कैसे निकालेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज हम लोगों ने यह सीखा कि अगर हम किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में अगर कुछ नंबर पाए हुए हैं और उसका पूर्णांक जो है वो कुछ रहा हो तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो चलो एक बार मेरे साथ फार्मूला रिवाइज करो। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि अगर एक्स वाई प्रतिशत निकालना हुआ तो एक्स गुणे वाई अपान 100, यानी कि एक्स गुणे वाई बटे सौ। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो क्या किए हैं कि अगर हमें कुछ प्राप्तांक मिला है और उसका कुछ पूर्णांक रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत अंक निकालने के लिए 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो आज इन्हीं दो क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, इसका अंत करते हैं। लेकिन याद रखना, अब इसकी जो सीरीज आने वाली है ना, इसकी बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है। आज हम स्टार्ट किए हैं, इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि भिन्न को प्रतिशत में या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें हम बताएंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे, है ना, अगर कोई सामान कितने में बेचा गया, कितना घाटा हुआ तो कितना प्रतिशत घाटा हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये सारी चीजें हम लोग किसी सेशन में, प्रतिशत वाले सेशन में पढ़ने वाले हैं। और एक बात याद रखना कि इस वाले चैप्टर से हर परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस वाले चैप्टर को बहुत ही सीरियसली पढ़ना है। हालांकि पढ़ना तो सारे सब्जेक्ट को है, सारे चैप्टर्स को है, लेकिन इस वाले को कुछ ज्यादा ही ढंग से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन से शॉर्ट आता ही आता है। तो चलो, जहां कहीं भी हो आप वहां भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और तगड़े से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद।